हेलो एवरीवन दिस इज योर मास्टर टीचर सुरभि गुप्ता फ्रॉम विदांत एंड मेरी कक्षा में आपका स्वागत है वेलकम टू टुडे सेशन जहां पर हम एक बहुत मेजर इश्यू उठाने वाले हैं एंड दैट इज हाउ टू स्टडी ड्यूरिंग विंटर सीजन ठंड आ गई है कुछ जगह बहुत बारिश भी हो रही है आ, ऐसा मौसम हो गया है कि लिटरली रजाई से निकलने का मन नहीं करता बहुत जगह धूप भी नहीं आती तो लगता है यार पढ़ना ही क्यों है काश हम पूरे दिन सोते रहते और फ़ोन में रील को स्क्रॉल करते रहते ऐसे सिचुएशन में पढ़ाई कैसे करें क्योंकि पढ़ाई को छोड़ भी नहीं सकते आखिरी के कुछ एक दो तीन महीने बचे हैं फाइनल एग्ज़ाम्स के और ये बहुत क्रिटिकल पीरियड होता है जिसको आप वेस्ट नहीं कर सकते तो आज का सेशन बहुत छोटा होगा जहाँ पर आपको बस इतना बताने वाली हूं कि आपको ऐसे क्या स्टेप्स और क्या टिप्स फॉलो करने चाहिए टू एंश्योर कि पढ़ाई भी हो और आराम भी हो ड्यूरिंग विंटर सीजन सो so, जल्दी से आज और सेशन में वीडियो को थम्स अप दे दो अगर ये टॉपिक अच्छा लगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि इस चैनल पे क्लास नाइन के लिए सारी इंपॉर्टेंट वीडियोज आती है इंक्लूडिंग एजुकेशनल वीडियोज अब हमारा एक नया रिविजन सीरीज भी शुरू होने वाला है क्लास नाइन पे जिसमें सारे चैप्टर्स का रिविजन भी हम आपको कराने वाले हैं ठीक है सो मेक श्योर दैट यू हैव सब्सक्राइब टू द Channel. Alright. सो गाइज एज आई टोल्ड यू एग्जाम्स आने वाले हैं एंड आई एम श्योर ऑल ऑफ़ यू आर फीलिंग सुपर लेजी रजाई से निकलने का मन नहीं करता सुबह सुबह बहुत ठंड होती है रात को जल्दी सो जाने का मन करता है एंड यू नो यू आर फीलिंग कि यार पढ़ाई विंटर्स में करना ऐसा हो गया जैसे किसी ने आपको वेव्स के अगेन स्विमिंग करने के लिए बोल दिया हो है ना कि लिटरली रेजिस्टेंस होता है फिजिकल रेजिस्टेंस इस ठंड में पढ़ने से राइट तो ऐसे सिचुएशन में ऑल ऑफ यू मस्ट बी फेसिंग लॉट्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन बहुत लेजी कोई मोटिवेशन नहीं होगा पढ़ाई करने का पर दिमाग में हुआ यार एग्जाम पास आ रहे हैं ठंड में कैसे पढ़ाई करें तो पहले तो इसका कॉज समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है देखो विंटर्स में आपको पता है कि हिस्ट्री में आपने पढ़ाई जोग्राफी में आपने पढ़ाई कि जो सन है वो लोअर वो इक्वेटर की तरफ जा रहा होता है तो हमारे पास डायरेक्ट सन एक्सपोजर नहीं होता सन एक्सपोजर नहीं होता तो हमारा जो स्किन है वो ज्यादा melotor, जो है प्रोड्यूस करता है विच इंड्यूस स्लीपीनेसम

पहले तो देखो जब आप उठो तो आपने अपने आप को मेंटली ना बोल दो कि चाहे कुछ हो जाए मुझे साढ़े सात बजे उठना है चाहे मैं बाद में सो जाऊं पर सेवन थर्टी मुझे बिस्तर के बाहर जाना है तो अपना जो स्नूज अलार्म है उसको मत करो डो नॉट डो नॉट स्नूज योर अलार्म क्लॉक बोलो यार अभी उठ जाऊंगा बाद में सो जाऊंगा उस माइंड सेट से उठोगे तो बिस्तर से निकल जाओगे एंड इमिजिएटली निकलने के बाद मू धो के है ना ठंडा पानी पियो गर्म नहीं ठंडा पानी पियो जिससे आपका बॉडी यू नो वेकअप हो जाए एंड देन यू कैन डू फिफ्टीन मिनट्स ऑफ वार्म अप एक्सरसाइजेस अभी कुछ भी हो सकता है नीचे जाके वॉकिंग हो सकता है यूट्यूब पे कोई डांस खोल लिया आपने वो डांस कर लिया वो हो सकता है बस थोड़ा सा अपना बॉडी को मूव कर लिया वो हो सकता है ठीक है दूसरा है एक स्केड्यूल रखो अब ऑब्वियसली आप बच्चे हो कॉफ़ी तो मैं आपको बोलूँगी नहीं पीने के लिए आ, लेकिन अगर आप कुछ हॉट बेवरेज चाहे वो दूध हो चाहे वो चाय हो वो ज़रूर पी सकते हो क्योंकि उससे अगेन आपका बॉडी यू नो वेकअप करता है नाउ आई डोंट लाइक टू रेकमेंड टी और कॉफ़ी मुझे ऐसा लगता है कि जो मुझे मेरे ऊपर वर्क किया है कि जब आप उठते ही ठंडा पानी ठंडा फ्रिज का नहीं बट रूम टेम्परेचर पानी पीते हो एक ग्लास तो वो आपके बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को उठा देती है और आप मेंटली भी उठ जाते हो तीसरा है पोमोडोरो एंड स्पेस रेपिटेशन इन शॉर्ट देखो पढ़ाई वैसे ही नहीं हो पाती पर विंटर्स में आप लेजीनेस की वजह से और पढ़ाई नहीं कर पाते ऐसे सिचुएशन में 20 मिनट पढ़ो 5 मिनट का ब्रेक दो 20 मिनट पढ़ो 5 मिनट का ब्रेक दो ये बहुत ज्यादा जरूरी है सो so दैट आप पढ़ाई कर पाओ राधर देन जीरो पढ़ाई कर पाओ अच्छा जहाँ पर आप पढ़ाई करो थोड़ा सा लाइट वाली जगह लो जहां धूप अच्छी आ रही हो डे लाइट अच्छा आ रहा हो और पानी पीते रहो ये दोनों चीजें जरूरी है क्योंकि बहुत वेदर है वैसे ही आपका बॉडी आपके अगेंस्ट चल रहा है ऐसे सिचुएशन में अच्छा सा वेल लाइटेड एरिया और स्टडी एरिया जो है आपको मोटिवेट करेगा टू कीप ऑन स्टडिंग अगर आप बिस्तर में पढ़ोगे रजाई के पास पढ़ोगे कितनी भी मेहनत कर लो पढ़ाई करने का मन नहीं करेगा ठीक है, द फिफ्थ पॉइंट इज स्टे अवे फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन जो आपको नींद दिलाता है फॉर एग्जाम्पल अगर आपने टीवी बहुत लंबा देख लिया और मौसम भी ऐसा है तो आपको नींद आएगी या फिर अगर आप यू uh, नो you know, कुछ ऐसा काम करते हो वीडियो गेम खेलते हो स्क्रीन स्पेशली बहुत नींद दिलाती है आप बुक पढ़ते हो नॉवल पढ़ते हो जो आपको बहुत नींद दिलाती है तो ऐसे काम मत करो ट्राई करो कि यू स्टे अवे फ्रॉम द बेड अवे फ्रॉम एनी सर्फेस जहाँ आप सो सकते हो लेट सकते हो और आप ऐसी जगह जाओ जहाँ पर आप एक्टिव रह सकते हो जैसे आपका स्टडी टेबल हो गया या धूप के पास वाला एरिया हो गया या नींद आ रही है तो नीचे वॉक करके आओ ये मैं भी बहुत ज़्यादा फॉलो करती हूँ राइट तो व्हाट आर द वेज इन विच यू कैन इफेक्टिवली स्टडी तो एज आई टोल्ड यू एक अच्छा गर्म बात लो गर्म कपड़े पहनो अपने आप को कवर्ड रखो जिससे बीमार ना पड़ो और पढ़ने में भी मज़ा आए है ना दिस इज समथिंग दैट आई डेफिनेटली रिकमेंड फॉर विंटर्स एप्पल बीट्रूट कैरेट जूस बहुत है, बहुत लोग इसको पीते हैं मम्मी को बोलो कि मम्मी एप्पल एक एप्पल एक बीटरूट एक कैरेट को आपको मिक्सी में डालना है या जूसर है तो उसमें नींद भी कम दिलाएगा तो दैट इज समथिंग यू रिकमेंड जो अगेन पता नहीं आप लोग करोगे आप भी या नहीं पर मैं डेफिनेटली विंटर्स में करती थी एज ए स्टूडेंट कि मस्टर्ड ऑयल या आमंड ऑयल बादाम का तेल थी और उसको तेज तेज अपने हाथ और पैर पे मलती थी ठीक है हैंड्स एंड फीट पे uh, इसे सोने से जस्ट पहले uh, आप ये कर सकते हो इससे आपको बहुत अच्छी नींद भी आती है और आप follow, uh, so आपकी पढ़ाई अच्छी हो और आपका बॉडी जो है इतना लेजीनेस में ना जाए देखो लेजीनेस में जाना उसका नेचर है तो आपको कुछ काम ऐसे करने होंगे जिससे बॉडी को लगे कि नहीं यू you नो know, उठना एक्टिव रहना मेरा नेचर है सो ऑल ऑफ दीज टिप्स